नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। एक मजदूर की मौत से स्थानीय लोगों को आया गुस्सा। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के तिलगढ़िया स्थित वेदांता स्टील यानी ESL में कार्यरत 45 वर्षीय धीरेन्द्र का आज बनगढ़िया थाना क्षेत्र से शव मिलने से जहां सनसनी फैल गई, वहीं स्थानीय लोगों में उबाल भी देखने को मिला। देखते ही देखते ग्रामीण महिला पुरुष मृतक के आश्रित को नियोजन सहित मुआवजे की मांग को लेकर चंदन कियारी मुख्य सड़क को जाम कर आवागमन पूरी तरह ठप कर दिया। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आक्रोशित लोगों को शांत कराने के प्रयास में जुटी रही। गौरतलब है कि मृतक धीरेन्द्र महतो प्लांट के अंदर बतौर ठेका श्रमिक काम करते थे। आज वो ए शिफ्ट में काम करने के लिए अपने घर से निकले, परंतु उनका शव निर्जन इलाके से बरामद हुआ। इधर पुलिस आक्रोशित लोगों को स्टील प्रबंधन से वार्ता कराने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया और सड़क जाम हटाया गया। साथ ही शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मैच कुछ ही दिनों पूर्व वेदांता स्टील में कार्यरत ठेका श्रमिक पप्पू महतो की भी मौत कार के दौरान हो गई थी। इसी वजह से लोगों ने आरोप लगाया है कि कार के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा नियमों की अनदेखी की वजह से लगातार ऐसी घटना हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।